तरावड़ी करनाल के उत्तर दिशा में स्थित ऐतिहासिक शहर। तरावड़ी का युद्ध 1191 और 1192 के कारण प्रसिद्ध है, जिसका ऐतिहासिक नाम तराइन था। पहले हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कुरुक्षेत्र व करनाल के मध्य स्थित है करनाल का तरावड़ी, जहां पर बासमती चावल की खेती की जाती है, जिसका चावल विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इतिहास बताया जाता है कि ये वो शहर है जहां पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में कई युद्ध हुए। एक किला भी है आज भी इतिहास को जो संभाले हुए है। आज भी वो ऐतिहासिक किला मौजूद है। तो वहीं कहा जाता है कि यहां पर औरंगजेब के पुत्र आजम का जन्म हुआ था। आजम के नाम पर इसका नाम आजमाबाद रखा गया था। बाद में यह आजमाबाद से वापस तरावड़ी हो गया। औरंगजेब ने इसके चारों तरफ दीवार बनवाई थी और चार दीवारों के अंदर तालाब और मस्जिद का निर्माण भी कराया था। लेकिन बात है अंग्रेज़ों के ज़माने की। जब भारत में कहते हैं कि पहली रेलवे लाइन बिछी थी दिल्ली अम्बाला, तब यहाँ पर एक स्टेशन का निर्माण किया गया था। ये रेलवे स्टेशन आज भी वैसे का वैसा ही बरकरार है। आज भी आपको पुराने समय की याद दिलाएगा और वो दौर कैसा होता सोचने पर मजबूर कर देगा। आज भी इस रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग है वह वैसे की वैसी बरकरार है। पुराने ज़माने में बनी बिल्डिंग आज भी आपको पुराने दौर की याद दिलाएगी। कहते हैं कि जब करनाल में अंग्रेज़ों ने छावनी बनाई थी तो उन्होंने कई भवनों का निर्माण किया था। करनाल का रेलवे स्टेशन हो या फिर तरावड़ी का रेलवे स्टेशन हो, यह वह रेलवे स्टेशन है जिन्हें अंग्रेज हुकूमत ने खुद बनाया था। और हुकूमत ताकि अच्छे से राज कर सके और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके, इसलिए उन्होंने कई चीज़ों का निर्माण किया। और करनाल का तरावड़ी शहर जो ऐतिहासिक तो है, और साथ ही यहाँ का रेलवे स्टेशन आपको भी उस पुराने इतिहास की याद दिलाएगा। यह भी अंग्रेजों का समय का ही बना हुआ, हालांकि आज काफ़ी कुछ बदल चुका है। यह तरावड़ी शहर काफ़ी बदला है और काफ़ी वक्त समय भी बदल चुका है। अंग्रेजों का शासन भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन पुराने तरावड़ी की जो तस्वीर है कैसी होती होगी, इसके बारे में सोचकर हर कोई ध्यान में गंभीरता से सोच विचार करता है। आखिर पुराना तरावड़ी तराइन शहर कैसा हुआ करता था, क्योंकि कहानियों में बताया गया उसके बारे में सोचकर कई विचार चलने लग जाते। हालांकि करनाल शहर भी काफ़ी बदल चुका है, लेकिन तरावड़ी शहर जो ऐतिहासिक शहर है, ये वो इलाका हुआ करता था जहाँ 1947 से पहले अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम परिवार के लोग रहा करते थे। लेकिन 1947 के पार्टीशन के दौरान उन्हें यहाँ से जाना पड़ा और इन इलाकों में आकर बसे वो लोग जो यानी कि उस तरफ रहते थे पाकिस्तान की तरफ, वो यहाँ पर आके बसे और उन्होंने एक नए सिरे से इन शहरों को, इन गांवों को बसाने की दोबारा पहल की। और ऐसा ही है कुछ तरावड़ी शहर।